क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड एग्जांपल, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, आपको के निकालना है, विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब याद कीजिए नो सॉल्यूशन के ग्राफिकल कंडीशन कैसे होती है, व्हेन ग्राफ्स आर पैरेलल देन दे हैव नो सॉल्यूशन। और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये होती है ना। तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। नाउ सी हियर, आपको लिखना है सिंस दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन एंड देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। नाउ बोथ दिस इक्वेशंस आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, एक्चुअली वन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर ये सी हम उस साइड में लेके जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है उसमें सी राइट में है, दोनों भी सी राइट में है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों भी सी, एक सी राइट में है एक सी लेफ्ट में है, तो अगर ऐसे कंडीशन है तो दोनों भी सी को राइट में कर देना। ओके, नाउ पुट वैल्यूज ऑफ ए वन ए टू बी वन बी टू एंड सो ऑन। नाउ ए वन इज 3, ओके ए टू इज 2k माइनस 1 इज इक्वल टू बी वन इज, हाँ बी वन इज 1। देखिए अभी ये जो ए वन है ना, ए वन में ये x मत लिया करो, कोई कोई स्टूडेंट्स लेते हैं। एक्चुअली ए वन इज, व्हाट इज ए वन, ए वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट रहता है उसमें, x इंक्लूड नहीं करना है। हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, सो डोंट टेक हियर एनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, x, y कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ देयर कोएफिशिएंट्स लेना है। नाउ सी हियर बी वन इज, यहाँ पे कोई कुछ भी नंबर नहीं है, सो द वैल्यू ऑफ बी वन इज 1 एंड बी टू इज के माइनस 1 इज इक्वल टू सी वन, सी वन इज 1, सॉरी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड सी टू इज 2k प्लस 1। एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ आपको कहीं पर भी वेरिएबल दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, x, y कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कोएफिशिएंट्स होंगे। ओके, अभी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ओके, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो थोड़ा ओरली क्या करो, 3 इंटू के 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k 2k एंड 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। अब सब साइड यहाँ लेके आइए, सो 3k माइनस 3 माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा आराम से करना है, ये सब इस साइड में लेके जाएंगे तो पूरे ऑपरेशन चेंज होते हैं, यहाँ पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अभी लाइक टर्म्स, 3k माइनस 2k के एंड माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 2 2। ओके, तो इस तरह से आपकी k की वैल्यू निकल गई। लेकिन आपको इसको भी थोड़ा सॉल्व करना है कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। आपको तो पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ तक आपने आंसर छोड़ना नहीं है, इस कंडीशन को भी सॉल्व करना है। तो कंडीशन है 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, सिर्फ इक्वल के जगह नॉट इक्वल टू लिखना है। सो क्रॉस कीजिए 2k प्लस 1, 1 इंटू ये 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू, हाँ हमेशा नॉट इक्वल टू 1 इंटू के माइनस 1 के माइनस 1। सब इस साइड में लेके आइए 2k प्लस 1, एक मिनट, 2k प्लस 1 माइनस के प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, हमेशा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 2k माइनस के 1k एंड 1 प्लस 1 2 नॉट इक्वल टू 0, सो k नॉट इक्वल टू, ये प्लस 2 उस साइड में चला जाएगा तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, सो k नॉट इक्वल टू माइनस 2, यानी k निगेटिव 2 होगा ही नहीं,
सिर्फ k की वैल्यू क्या होगी, 2. देयरफॉर योर लास्ट स्टेटमेंट इज k इज इक्वल टू 2, बट k नॉट इक्वल टू -2. ठीक है.